हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम आरआरबी जेई के सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि आपके आरआरबी जेई में क्या क्या सिलेबस होते हैं और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो देखिए आरआरबी जेई सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए दो सीबीटी वन, एक आपका सीबीटी वन होगा और एक आपका सीबीटी टू होगा, जो आपको पता है। ठीक है, और सीबीटी वन आपका जो होगा उसका जो सिलेबस है, ठीक है, यानी फर्स्ट स्टेज आपका जो सीबीटी होगा उसका जो सिलेबस आपका है, उस सिलेबस आपका रहेगा 100 मार्क का। ठीक है, 100 मार्क रहेगा उसमें, यानी हर एक क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन का जो रहेगा एक मार्क रहेगा, यानी 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे, एक क्वेश्चन के लिए आपके एक मार्क रहेगा, यानी 100 मार्क यानी 100 क्वेश्चन आपका रहेगा। क्लियर है? तो सीबीटी वन में आपको क्या मिलेगा, आप देखेंगे कि सीबीटी वन में आपका 100 मार्क रहेगा और एक क्वेश्चन के लिए एक मार्क रहेगा। और ड्यूरेशन की बात करें कि कितना ड्यूरेशन का रहेगा, यानी कितने टाइम के लिए आपका ये रहेगा, तो ये रहेगा 90 मिनट के लिए, 90 मिनट यानी 1.5 आवर आपका लगभग रहेगा, 1.5 आवर आपका रहेगा। ठीक है, तो 100 मार्क रहेगा, एक क्वेश्चन के लिए एक मार्क रहेगा, ड्यूरेशन कितना रहेगा, 90 मिनट का रहेगा। अगर हम बात करें कि इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से इंक्लूड रहेंगे, तो ध्यान से देखिए आप कि सब्जेक्ट आपके जो रहेंगे, सब्जेक्ट आपके जो इंक्लूड रहेंगे वो रहेंगे आपके मैथ आपका रहेगा, जर्नल अवेयरनेस रहेगा, रीजनिंग रहेगा और जीएस आपका रहेगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें जो रहेंगी आपकी सीबीटी वन में इंक्लूड रहेंगी। ठीक है, यानी मैथ, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, जीएस। ठीक है, और अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की तो नेगेटिव मार्क भी इसमें रहेगा 1/3 का, 1/3 का, यानी अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक जो सही क्वेश्चन रहेगा वह क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यानी 3 क्वेश्चन गलत करने पर आपके एक सही क्वेश्चन का नंबर काट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ रहेगा। अगर हम डेटा के हिसाब से, वो मतलब अगर हम ऑफिशियल डेटा के हिसाब से चलें तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका जो है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वो 40% आपको लाना ही पड़ेगा, लेकिन 40% पे तो कट ऑफ बननी नहीं है। देखिए 60%, 65%, 70% पे आपकी कट ऑफ बनती है। ठीक है, तो जो आपका आरआरबी की तरफ से जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन रहना चाहिए वो 40%, यानी कि 40 नंबर तो आपका रहना ही चाहिए, 40 नंबर के नीचे आपका नहीं होगा। ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि और आपका क्या रहेगा, तो देखिए अगर हम बात करें कि अगर हम ऐसा सब्जेक्ट वाइज बात करें कि मैथ के कितने मार्क्स रहेंगे, तो मैथ का आपका जो मार्क्स रहेगा वो मैथ का आपका रहेगा 30 नंबर, यानी मैथ के 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 क्वेश्चन आपके मतलब 30 नंबर के रहेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें जर्नल अवेयरनेस एंड रीजनिंग की तो ये आपके रहेंगे 25 मार्क्स के। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन रहेंगे और 25 मार्क्स के ये रहेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास है तो जनरल अवेयरनेस एक अलग से आएगा। ठीक है, जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग जो है एक एक अलग सब्जेक्ट आपका मतलब हो गया, रीजनिंग का 25 नंबर का रहेगा, जनरल अवेयरनेस आपका रहेगा 15 नंबर के, यानी 15 नंबर आपके किसके रहेंगे, जनरल अवेयरनेस, यानी 15 क्वेश्चन आपके वहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम जीएस यानी जनरल साइंस की अगर हम बात करें तो जीएस आपका रहेगा 30 क्वेश्चन, जीएस आपका क्या रहेगा, 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप ये टोटल करेंगे तो आप देखेंगे कि कितने क्वेश्चन टोटल हो रहे हैं, टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, और ये देखिए ये आरआरबी जेई या फिर आरआरबी का कोई भी एग्ज़ाम हो, फर्स्ट स्टेज जो सीबीटी होता है उसमें लगभग यही चीज़ें रहती हैं, यानी फर्स्ट स्टेज का जो सीबीटी रहेगा वो आपका 30 नंबर का मैथ रहेगा, 25 नंबर आपका जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग मतलब रीजनिंग आपका रहेगा, जनरल अवेयरनेस आपका 15 नंबर का, जीएस आपका 30 नंबर का रहेगा। ठीक है, इतना आपका ये चीज़ रहना ही रहना है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया कि क्या क्या चीज़ें आपकी रहनी हैं। ठीक है, अगर हम बात कर लें थोड़ा सा तो आपको अगर जैसे कि अब देखिए
मैथ में क्या पूछा जाएगा, इसमें क्या पूछा जाएगा, वो आपको पढ़ने की है। और हाँ, हमेशा याद रखिए कि जो आरआरबी जेई रहेगा, आरआरबी का कोई भी एग्ज़ाम रहेगा, उसमें आपको बेसिक चीज़ें ज़्यादा पूछी जाएंगी। आप बहुत हार्ड तैयारी मत कीजिए, बहुत ही इतना कठिन मत कीजिए कि हो सकता है आप उसके चक्कर में कुछ सिलेबस को मिस कर जाएँ। अगर आप बहुत हार्ड तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एकदम बहुत डीप में तैयारी कर रहे हैं, तो उस चक्कर में आपका सिलेबस कोई ना छूट जाए, तो आपको हमेशा याद रखना है कि आरआरबी का कोई भी एग्ज़ाम होता है वो आपका नॉर्मल पेपर बनाएगा। नॉर्मल का मतलब एकदम आपको समझिए बेसिक आपको पता होना चाहिए, बेसिक रूल्स जो भी चीज़ें हैं वो आपको पता होने चाहिए, उस पर ही ज़्यादातर आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें अब सी बी टी टू की अगर हम बात करें, तो सी बी टी टू में हम देखेंगे कि आपके कितने क्या क्या चीज़ें उसमें भी पूछी जाती हैं। तो सी बी टी टू आप देखेंगे तो जनरल अवेयरनेस यानी जी, मतलब जनरल अवेयरनेस जो आपका है ये कितने नंबर का रहेगा, ये आपका रहेगा 15 नंबर का। ठीक है, अब देखिए सेम वही चीज़ है कि कितने, मतलब सी बी टी टू है, सबसे पहले सी बी टी टू में कितने कितने मार्क्स के होते हैं ये हम अब क्लियर कर लेते हैं। तो सी बी टी टू आपका होगा 150 मार्क्स का, ठीक 150 मार्क्स का होगा, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग सेम रहेगी 1/3 की, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग उतना ही रहेगी, लेकिन क्वेश्चन इसमें क्या रहेगा 150 मार्क्स का रहेगा। अब देखिए 150 मार्क्स का रहेगा क्वेश्चन, तो 150 मार्क्स में आपका जो जनरल अवेयरनेस 15 नंबर का ये रहेगा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपकी यह भी कितने नंबर की रहेगी, 15 नंबर की रहेगी, ठीक है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये भी आपकी कितने नंबर की रहेगी, 15 नंबर की रहेगी, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब उसके बाद अगर हम बात करें फिजिक्स और केमिस्ट्री आपकी 15 नंबर की रहेगी, तो बेसिक कंप्यूटर आपका बेसिक कंप्यूटर जो रहेगा ना ये 10 नंबर का आएगा, ये आप याद रखिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको बेसिक कंप्यूटर, आपको बहुत बेसिक चीज़ पूछी जाएगी, तो आपको बहुत ही बेसिक अगर आपको 10 नंबर अपना बढ़ाना है, बहुत अच्छे तरीके से उसको सेट करना है, तो आप प्लीज़ यार कंप्यूटर को, तो देखिए सबसे पहला आपका जो भी है कि आपको बेसिक कंप्यूटर तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर आपके 10 नंबर बहुत ही बेनिफिट रहेंगे। उसके बाद आपका जो रहेगा वो रहेगा आपका इन्वायरमेंटल का आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है, इन्वायरमेंट रहेगा आपका, इन्वायरमेंट भी 10 नंबर का रहेगा। और ये बहुत ही बेसिक चीज़ें आपकी पूछी जाएंगी, उसमें कुछ भी मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत ही बेसिक आपको इन्वायरमेंट पॉल्यूशन वगैरह इन्हीं सब के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा जो मेन है, अब ये देखिए ये 10 ये क्या हो गया आपका जनरल अवेयरनेस 15 नंबर, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 15 नंबर, 10 नंबर, यानी ये टोटल आपके कितने हो गए, यानी कि टोटल आपके 50 मार्क्स हो गए, 50 मार्क्स, यानी कि नॉन टेक्निकल की अगर हम बात करें सी बी टी टू में तो 50 मार्क्स होते हैं। और जो आपका 100 नंबर का रहेगा वो रहेगा आपका टेक्निकल एबिलिटीज़, मतलब कि जो आपका स्ट्रीम है, यानी कि आपका जो ब्रांच है, जो कॉलेज में आपने जो ब्रांच आपने फिल किया है, इलेक्ट्रिकल किया है, मैकेनिकल किया है, सिविल किया है, तो यहाँ से आपको 100 मार्क्स मिलेंगे, यानी 100 नंबर का रहेगा, यानी 100 मार्क्स, ठीक है। तो टोटल आपका कितना होगा, टोटल आपका देखेंगे कि 50 मार्क्स आपका नॉन टेक, 100 ये, तो 150 मार्क्स आपका रहेगा, ठीक है। अब देखिए आप ये 150 मार्क्स यानी कि आपको सी बी टी टू के लिए ठीक है, फॉर सी बी टी टू यू हैव टू क्वालिफाई फॉर सी बी टी वन, ठीक है, सी बी टी वन, यानी कि अगर आपको सी बी टी टू में बैठना है तो सबसे पहले आपको सी बी टी वन को क्वालिफाई करना पड़ेगा। बिना सी बी टी वन आपको क्वालिफाई किए सी बी टी टू में बैठने के लिए भी नहीं मिलेगा। तो इम्पॉर्टेंट क्या है सी बी टी वन, सबसे पहले जो टेक्निकल बंदे हैं उनका नॉन टेक पोर्शन थोड़ा सा, नॉन टेक जो भी रहेगा देखिए वीक रहेगा, नॉन टेक वो वीक रहेगा, तो आप प्लीज़ पहले
नॉन टेक की प्रिपरेशन कीजिए, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब। और जो देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री रहेगा ना, वो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वो 10th स्टैंडर्ड तक रहेगा, 10th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी आप वो पढ़ लीजिए, आप मोस्ट ऑफ चांस है कि आप क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। जो आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रहेगा वो 10th स्टैंडर्ड तक रहेगा, वो भी एनसीईआरटी वाला, आप उतना पढ़ लीजिए मैक्सिमम आप क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले अपना जो नॉन टेक जिसका वीक है वो अभी से कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो, कोचिंग में सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ प्रिपरेशन करो, बढ़िया करो एकदम से। और मैथ्स आपका बहुत ही, मैथ्स अगर रीजनिंग आपका सही है तो आप समझ सकते हैं कि आप लगभग क्वालिफाई कर जाएंगे मैथ्स और रीजनिंग, क्योंकि 25 मार्क्स का मैथ होता है। अगर आपने 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन लगभग 22-23 क्वेश्चन आपने अगर सही कर लेंगे तो आप बहुत ही आसानी से क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको सबसे पहले CBT 1 क्वालिफाई करना है तो बहुत ही अच्छे से नॉन टेक की पहले प्रिपरेशन कीजिए। अगर आपने CBT 1 क्वालिफाई ही नहीं किया तो CBT 2 में फिर क्या ही मतलब रह जाएगा। CBT 2 का कुछ मतलब रहेगा, आपके पास टेक्निकल की बहुत नॉलेज हो लेकिन आप क्वालिफाई नहीं किए तो मतलब ही नहीं है कि आप टेक्निकल नॉलेज आपका धरा का धरा रह जाएगा। और बहुत से ऐसे बंदे हैं, और मैंने देखा है 2018 वाले आरआरबी जेई में बहुत से ऐसे बंदे थे जिनका टेक्निकल बहुत ही स्ट्रॉन्ग था लेकिन वो CBT 2 के लिए क्वालिफाई नहीं हुए क्योंकि उनका नॉन टेक्निकल बहुत वीक था और उन्होंने इतना उस टाइम फोकस नहीं किया कि नॉन टेक पे थोड़ा फोकस किया जाए। तो उन्होंने नॉन टेक पर उतना फोकस नहीं किया, उन्हें लगा क्वालिफाई हो जाएंगे और वो लोग क्वालिफाई नहीं हुए। तो उसके लिए 50 तरह के धरना प्रदर्शन ये वो सब बहुत कुछ हुआ, आप लोग देखे होंगे वीडियो, बहुत ही चीज़ ऐसी हुई लेकिन कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना, क्वालिफाई करना है तो सिंपल से आप क्या कीजिए, नॉन टेक आपका प्रिपरेशन कीजिए बढ़िया से और अभी से कीजिए ताकि आप लगभग, क्योंकि देखिए आपके साथ साथ सब लोग कर रहे हैं तो इसलिए इस बार नॉन टेक की भी कट ऑफ थोड़ी हाई जाने वाली है क्योंकि सबको सिलेबस पता है और सबको सिलेबस पता होने का मतलब कि सब प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसलिए जो कट ऑफ जाएगी, कट ऑफ वो होगी हाई, कट ऑफ जाएगी हाई। तो इसलिए आपको बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन करनी है। उस टाइम बहुत लोगों को इतना अच्छे से पता नहीं था, सिलेबस नया नया आया था, सब लोगों को इतना अच्छे से पता नहीं था इसलिए कुछ लोगों ने उस तरीके से मेहनत नहीं की। लेकिन अब इस बार सब लोग मेहनत करेंगे इसलिए कट ऑफ एकदम हाई जाने वाला है नॉन टेक वाला, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि नॉन टेक उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकल वीक है तो नॉन टेक में क्वालिफाई कर जाएंगे लेकिन टेक्निकल में आके फिर वो फंस जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं है, बैलेंस बना के चलना है कि आपको नॉन टेक इतने अच्छे से पढ़ना है कि क्वालिफाई हो जाए और टेक्निकल बढ़िया से पढ़ के पूरा मतलब आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये लगभग आपका ये आपका जो है सिलेबस है, आप इतना प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। मैं तो यही कहूँगा कि आप उसी तरीके से प्रिपरेशन कीजिए, बहुत ही आसानी से आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आप क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि CBT 1 आपका होगा, CBT 1 फिर आपका CBT 2 होगा, ठीक है, CBT 2 होगा, फिर उसके बाद आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल, ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन या फिर आप। तो आपको लगभग 3 स्टेज पार करके तो जो चौथा है यानी 1, 2, 3 चौथे आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर है कि सबसे पहले CBT 1 आपको क्वालिफाई करना है, अगर यहाँ क्वालिफाई हो डिसक्वालीफाई हुए तो ये तीनों चीज़ें आपको करने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो CBT 1 सबसे पहले आपको क्वालिफाई होना है, फिर CBT 2 होना है, फिर यहाँ भी होना। देखो जब आप ये 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे CBT 1 और CBT 2 ना, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बहुत दिक्कत होती है। तो इस पर हम वीडियो बनाएंगे, वैसे भी बना के रखा है वीडियो, आप देख लीजिए क्या क्या प्रॉब्लम होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, इन सब में थोड़ा प्रॉब्लम होगी लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें ज्वाइनिंग में फिर आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगर आपका यहाँ तक सब सही है तो ये वाला भी प्रोसीजर लगभग सही ही रहता है, ज्वाइनिंग वाला फिर इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो मेन 3 स्टेज आपको बहुत अच्छे से, मतलब कि 2 स्टेज तो आपके ऊपर है, तीसरा स्टेज आप
के ऊपर मतलब मेडिकली कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आप क्या ही कर सकते हो। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपके डॉक्यूमेंट मोस्ट ऑफ अच्छे ही होंगे, आपको कोई फर्जी थोड़ी ना डॉक्यूमेंट बना के ला रहे हो। तो ये तीनों चीज़ आपको क्वालिफाई करनी है, तो जो फोर्थ है फिर जाके आपको ज्वाइनिंग मिलना है, ठीक है। तो प्लीज़ अपनी तैयारी बढ़िया से कीजिए आप लोग। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।